इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इसमें हमने पढ़ना है चार्जेस को रेस्ट पे। इलेक्ट्रो का मतलब जो है ना इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस है, और स्टैटिक्स का मतलब जो है उसे हम कहते हैं जी रेस्ट पे होना, हरकत ना करना। ठीक है बेटा जी, तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं चार्जेस को ऐसी हालत में कि वो रेस्ट पे होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते। डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कि जी जब आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में पढ़ते हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि जी चार्जेस का हम मतालिया कर रहे हैं जबकि वो रेस्ट की हालत में हैं। अब सबसे पहले जी चार्ज कैसे आता है? तो बेटा जी चार्ज हमारे पास किसी भी चीज पर अपीयर होता है रबिंग की वजह से। इन जनरल हम अगर किसी भी चीज पे को चार्ज करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज को चार्ज करने का वो फ्रिक्शन है। रब करके यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हम किसी भी चीज को चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अब जैसे कि आपको ये स्लाइड पे नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है, और ग्लास रॉड जो है उसको हम रब कर रहे हैं सिल्क के कपड़े के साथ। बेटा ये सिल्क का कपड़ा है, हम इसको जो है रब करते हैं इस ग्लास रॉड के साथ। अब ग्लास रॉड पर पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही आप उसको रब करोगे तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ग्लास रॉड है उस पर रगड़ने से पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और सिल्क पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया है। बेटा असल में दोनों ही शुरू में न्यूट्रल थी, लेकिन रगड़ने से क्या हुआ, उस रगड़ने से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के सिल्क में चले गए हैं, इस वजह से क्या हुआ भाई, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कि अब ये चार्ज असल में फिर क्या है, ये असल में ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। और किसका, कौन सी चीज, कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा? असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे, और इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर ये मैंने ग्लास को रब किया था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया सिल्क के साथ। अगर मैं प्लास्टिक की रॉड ले लूं, जैसे ये ग्रीन कलर आपके पास, ये ग्रीन वाली रॉड प्लास्टिक की रॉड, अगर मैं इसको रब करता हूं फर के साथ, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो प्लास्टिक है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ है, तो और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जनरल हमें यहां से ये पता लगा कि चार्जेस जो हैं वो फिर भाई दो किस्म के होते हैं। अब हमारे पास पुत्र जी दो चार्जेस हो गए, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, अब अगर मैं पॉजिटिव प्लेट को, जैसे कि मैंने आप देखें कि मैंने एक ग्लास रॉड को जो है ना ये हैंग किया हुआ है, फ्रीली हैंग है ये ग्लास रॉड, और दूसरी ग्लास रॉड को जो है ना मैं इसके करीब लेकर आता हूँ। अब ग्लास रॉड्स दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और यही चीज आप देख रहे हो, ये दोनों की जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अब एक और चीज देखो जरा यहाँ पे, अगर एक फोर्स, ये वाली फोर्स अगर पॉजिटिव है तो ये वाली फोर्स नेगेटिव है, क्योंकि एक्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये साथ साथ चीजें ये वही है जो हमने जो है ना एक्शन और रिएक्शन पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ में। ठीक है जी, एक रॉड एक्शन करेगी तो दूसरी क्या करेगी जी, रिएक्शन। दोनों मिकदार में बराबर होंगे और डायरेक्शन में पुत्र एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब अगर मैं ऐसा ही इस तरह से करूं कि जी पहले मैं ये ग्लास रॉड मैंने फ्रीली हैंग की हुई है, मैं इसकी तरफ अगर प्लास्टिक की रॉड ले आऊं जिसके ऊपर, जिसको मैंने फर से रगड़ा था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ, तो मैं क्या देखता हूँ,
ये दोनों प्लेट्स एक्सरे को क्या कर रही हैं, ये दोनों रोड्स एक्सरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। एक्शन और रिएक्शन जो है अगेन पुत्र है ऑपोजिट डायरेक्शन में और मिकदार में बराबर है, एक फोर्स एफ है दूसरी माइनस एफ है। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी नेक्स्ट, अब इतना करने के बाद हम थोड़ा सा और चार्ज के मतलब जो है ना वो पढ़ लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये किस तरह से जो है ना वो हो सकते हैं, चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आ सकता है। तो ये ना मैंने एक एटम ले लिया न्यूट्रल एटम, ये कौन सा एटम है, ये हमारे पास लिथियम का एटम है। ठीक है, लिथियम पुत्र जी हमारे पास एलिमेंट है, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, हीलियम दूसरा एलिमेंट है, तो लिथियम हमारे पास बेटा जी तीसरा एलिमेंट। अब तीसरा एलिमेंट है तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटॉन होते हैं। अब ये जो रेड है ना ये पुत्र इसमें प्रोटॉन है और ये जो ब्लू कलर है ये इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है और ये जो आपके पास ग्रे सा कलर है ये न्यूट्रॉन को जाहिर कर रहा है। अब लिथियम में पुत्र जी हमारे पास कितने प्रोटॉन है जी, तीन प्रोटॉन है और तीन ही इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास चार न्यूट्रॉन है। अब असल में इस एटम में हमारे पास टोटल चार्ज क्या है, जीरो, क्योंकि तीन प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और तीन इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और चार न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इक्वल है प्रोटॉन के तो नेट चार्ज क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है और इन जनरल तमाम एटम जो हमारी बॉडी के अंदर भी हैं वो भी न्यूट्रल ही होते हैं। लेकिन अगर अपनी बॉडी को आजकल जैसे गर्मियों के दिन है रफ सर्फेसिस है, हमारी बॉडी भी रफ होती है, अगर रगड़ो तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है क्योंकि ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हुआ है कि जी जब हमने इस लिथियम के साथ किसी चीज को रब करें या किसी भी तरीके से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना इसको मैंने निकाल दिया। जब मैं इसको निकाल दूंगा तो पुत्र क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं इसकी वजह से अब तीन प्रोटॉन है एटम में और दो इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में आ जाता है। ठीक है जी, पहले तीन थे न्यूट्रल में, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से लिथियम को दे दिया गया। अब प्रोटॉन तो तीन है लेकिन इलेक्ट्रॉन चार है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे जो इसके ऊपर नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो असल में हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जी चार्ज किसी बॉडी पर आना असल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब उसके एटम्स जो हैं वो जिससे बॉडी बनी है अगर उसमें किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए इजाफी आ जाए तो उसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है बॉडी पे, हम बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी हम अपने कूलम्स लॉ की तरफ कि जी कूलम्स लॉ जो है ना ये बेटा जी हमें क्या कहता है। सबसे पहले कूलम्स लॉ कहता है जी जितने भी चार्जेस हमारे पास हों, जितनी भी किस्म के चार्जेस हों, हम क्या देखते हैं चार्जेस के दरमियान जो है बेटा जी फोर्स अमल करती है। अच्छा जी, अब ये जो फोर्स अमल करती है फिजिक्स क्या है जी इसकी कि जी ये जो दो चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं एक हमारे पास जो है वो Q1 है दूसरा हमारे पास Q2 है, तो बेटा जी अगर आप देखो तो ये जो Q1 और Q2 हैं ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स है इनकी जो मिकदार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के, और देखो ना फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है r उसके साथ r स्क्वायर के साथ, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, f और r स्क्वायर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जी ये हमारे पास दो चार्जेस हैं इन दोनों के दरमियान फोर्स अमल कर रही है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के दरमियान। अच्छा अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे,
रिपेल कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, दूसरा इस तरफ को फोर्स लग रही है। अच्छा जी, अब F12 का क्या मतलब है और F21 का क्या मतलब है? अच्छा, दोनों की पुत्र मिकदार बराबर रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि पुत्र मिकदार तो सेम वही चीज रहनी है, F12 की भी मिकदार भी वही है और F21 की मिकदार भी वही है, लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है, एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है। अच्छा, अब इनकी ये जो F लिखा हुआ है, ये F12 और F21 की मिकदार है F जो है। अब ये अच्छा, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करो तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि K है, और जो के है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के। अगर आप एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 8.85×10^-12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर है, अगर आप ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज देखो यहाँ पे कि ये जो दो चार्जेस हैं, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कहाँ लग रही है? अगर आप देखो तो ये फोर्स जिस लाइन के ऊपर ये दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं ना, जैसे ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, ये इस तरफ को लग रही है। F12 की डायरेक्शन जो है वो अगर आप देखो मशरिक की तरफ है, तो F21 की डायरेक्शन है मगरिब की तरफ है, ठीक है भाई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उस लाइन पर है जिस लाइन पर ये चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर देखो, ये ऊपर हमारे पास लाइक चार्जेस थे, वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो फोर्स है उसका जिक्र किया गया है कि ये पॉइंट चार्जेस का जिक्र किया गया। अब पॉइंट चार्ज जो है ना बेटा जी, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, पॉइंट चार्ज कहते हैं एक ऐसा चार्ज जिसका साइज इतना स्मॉल हो कि वो छोटा सा पॉइंट की तरह आपको नजर आए, बड़ा छोटा सा पॉइंट के तौर पे आपको नजर आए, ठीक है जी, ठीक है, उसका जो चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो उसके मुकाबले में बहुत छोटा चार्ज जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो के है आपके पास, ये जो के है बेटा जी, ये डिपेंड करता है दो चीजों कि आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया, लेकिन जनरली हम क्योंकि आजकल SI सिस्टम्स को ही फॉलो करते हैं तो इसकी वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली तो यही रहेगी। हाँ, अगर मीडियम आ जाए जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो बेटा जी उस मीडियम का इफेक्ट क्या होगा कि जी वो मीडियम जो है इस के की वैल्यू को चेंज करेगा, जैसे कि जी फिर मीडियम के केस में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ ये एप्सिलॉन आर जो है ये भी आ जाता है, और जब एप्सिलॉन आर आ जाएगा जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, तो हमारी फोर्स जो है ये उसको फिर चेंज करेगा। तो भाई नेक्स्ट बेटा, म्यूचुअल फोर्स का ये मतलब है कि अगर एक चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों इकट्ठे, तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 जो है वो भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। अगर आपके पास जो है वो ये लाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, और ये मेरे पास अनलाइक चार्जेस है, F12 बराबर है F21 के, डायरेक्शन में ऑपोजिट है और मिकदार में बराबर है ये। अब अगर आप चीज देखो जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये दोनों जो हैं ये उस लाइन पे अमल करती हैं जिस पे चार्ज पड़े हों, पहले ये दोनों हॉरिजेंटल पड़े हुए थे तो फोर्स हॉरिजेंटल लग रही थी, अब अगर ये इस लाइन पे पड़े हुए हैं तो फोर्स बेटा जी देखो ये इस लाइन पे अमल कर रही है, ये फोर्स इस लाइन पे अमल कर रही है। अब F12 जो है वो F21 के बराबर है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि डायरेक्शन में ऑपोजिट। अब ये जो F12 है बेटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका बड़ा सीधा सा है। अब F12 वो फोर्स है जो Q1 पे लग रही है, और लगाने वाला कौन है 2, और F21 कौन है, F21 वो फोर्स है जो Q2 पे लग रही है और लगाने वाला Q1 है। अब ये दोनों क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अमल करते हुए आपको नजर आएंगी, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया कि F12 बराबर है F21 के लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। मिकदार दोनों की बराबर है, मिकदार दोनों की क्या है, के Q1 Q2 / R², लेकिन डायरेक्शन जो है वो दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट।
लिखने का तरीका क्या है? F12 को हम लिखते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, F12 लिखा हुआ है जी, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये तो मिकदार हो गई, ये तो दोनों में सेम है। हाँ, डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? R12 की डायरेक्शन में। और जो F21 है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी? R21 की डायरेक्शन में। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, आप जो है ना वो वहां से देख सकते हो। असल में F21 इसी डायरेक्शन में R21 भी है और F12 की डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो है वो R12 जो है वो होगा। ठीक है भाई, इसी तरह से अगर ये आप देखते हो कि ये हमारे पास जो है ये लाइक चार्जेस के लिए रिपेल है, तो अनलाइक चार्जेस के लिए हमारे पास अट्रैक्शन होगी, सेम ऐसे। अब एंड पे हमारे पास मीडियम आ गया, तो ये जो कूलम फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करती है, और मीडियम में कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ये हमारे पास जो है ना डिपेंड करती है, ये एप्सिलॉन आर वाला फैक्टर जो है ये मीडियम को कोरिस्पोंड कर रहा है। और मैंने जैसे कहा कि मीडियम को कहते क्या है, मीडियम को हम कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक, मीडियम को हम क्या कहते हैं, मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताता है। हाँ जी, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, मैंने पहले भी बताया कि डाइलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटर जिसको हम दो चार्जेस के दरमियान रख दें जिसकी वजह से फोर्स के ऊपर फर्क पड़े, वो हमारा डाइलेक्ट्रिक है। और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से जाहिर करते हैं। और इसकी वैल्यू बुक में गिवन है, अगर आप देखो पूरा एक बुक में टेबल बना हुआ है, उसमें हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ जो है मटेरियल्स उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है। और अगर आप गौर से देखो तो सब जिसके लिए भी आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखोगे वो हमेशा ग्रेटर देन वन है। ग्रेटर देन वन का क्या मतलब है? ग्रेटर देन वन का मतलब ये है कि अगर आप इस के की वैल्यू को उस फोर्स में लगाओ जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो एप्सिलॉन आर ये आ गया। अब इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, अब एक से ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू जो भी यहाँ पे रखोगे फोर्स यहाँ पे क्या हो जानी है, कम हो जानी है। एफ और एप्सिलॉन आर आपस में किस तरह से रिलेटेड है? एप्सिलॉन आर और एफ जो है वो हमारे पास जो है इनवर्सली